इस महफिल में अफसाने बयां होंगे, हमारे बाद इस महफिल में अफसाने बयां होंगे, बहारें हमको ढूंढेंगी, बहारें हमको ढूंढेंगी, न जाने हम कहां होंगे। दोस्तों ये आवाज, जी हाँ, अब हमारे बीच नहीं रही। आप सब जानते हैं कि आज मशहूर अदाकार जिसे कोहिनूर का हीरा भी कहा जाता है, वो हमसे जुदा हो गए। और क्या कह सकते हैं, बस यही कह सकते हैं कि ये दुनिया है, हर एक को यहाँ आके कई दिन रहना है और उसके बाद वापस चले जाना है। और फिल्म इंडस्ट्री के इतिहास में कई बेहतरीन अदाकार आए और चले गए, पर एक कलाकार ऐसे भी है जिसने फिल्म इंडस्ट्री का चेहरा बदल डाला। उनकी अदाकारी ने नई परिभाषा का जन्म दिया। उस महान अदाकार ने यह साबित कर दिया कि सुपरस्टार भी किसी को कहा जा सकता है। जी हाँ दोस्तों, ये महान अदाकार दिलीप कुमार, या फिर यूँ कह सकते हैं कि यूसुफ खान थे, जो अब हमारे बीच नहीं रहे, क्योंकि आज ही वो इस दुनिया को खैरबाद कहकर चले गए। और दिलीप कुमार, जिसका नाम, असल नाम जिसका मोहम्मद यूसुफ खान था, का जन्म पिशावर, जो आजकल पाकिस्तान में है, वहाँ पे हुआ था सन 1922 को 11 दिसंबर में। और दोस्तों ये जो दिलीप कुमार हिंदी सिनेमा के शोमैन राज कपूर के बचपन के दोस्त हैं, ये दोनों एक ही स्कूल में पढ़ते थे। और क्या कह सकते हैं, बस उदास हैं सभी आज इस उदास भरे दिन में, बहुत ही गमगीन ये जो आज का दिन है सब दोस्तों के लिए है, ख़ास तौर से उन दोस्तों के लिए, उन लोगों के लिए जो दिलीप साहब की अदाकारी को, और यकीनन दिलीप साहब की अदाकारी का हर एक इंसान जो है वो कायल था। और आज इस गमगीन मौके पर पूरी दुनिया में उसके शायकीन जो है वो गमजदा हैं। हम अपने प्रोग्राम का आगाज़ करते हैं, और आज मेरी तमाम दोस्तों से ये गुजारिश रहेगी कि आप अगर हो सके तो
ऐसे गीतों का आज आप इंतखाब करेंगे जो गीत दिलीप साहब पर फिल्माए गए हों। प्रोग्राम के आगाज में भट्ट जीशान साहब ने हमें लिखा है, आपने मोहम्मद रफ़ी की आवाज़ में एक नगमा सुनवाने के लिए लिखा है। बिल्कुल इसी मुनासिबत से ये नगमा है, हम ज़रूर ये नगमा आपके लिए पेश करेंगे। और बहुत ही खूबसूरत नगमा है ये, मोहम्मद रफ़ी की आवाज़ में नगमा है, आपने मेला फिल्म से नगमा सुनना चाहा है। और विनायक दनवेश्वर साहब भी हमारे प्रोग्राम में शामिल हुए हैं। आप लिखते हैं कि रिस्पेक्टेड अंजुम निसार और आपकी फरमाइश सुनने वाले सभी श्रोताओं को विनायक दनवेश्वर नास्तिक से प्यार भरा नमस्कार। आप सभी का इस मधुर गीत कार्यक्रम में तहे दिल से स्वागत है, नए श्रोताओं को वेलकम। बहुत बहुत शुक्रिया मेरे दोस्त। और जावेद खान साहब भी प्रोग्राम में शामिल हुए हैं, आपने कुछ अशार लिखे हैं, आपने सलाम लिखे है, वालेकुम असलाम लिखते हैं। दोस्ती नज़रों से हो तो उसे कुदरत कहते हैं, सितारों से हो तो जन्नत कहते हैं, आँखों से हो तो मोहब्बत कहते हैं, और दोस्ती आप से हो तो किस्मत कहते हैं। बहुत खूब मेरे दोस्त। और जीवन प्रकाश चमोली साहब भी हमारे प्रोग्राम में शामिल हुए हैं, आप लिखते हैं अंजुम जी के साथ सभी श्रोता साथियों को जीवन चमोली का उत्तराखंड की वादियों से प्यार भरा नमस्कार। और भट्ट जीशान साहब भी प्रोग्राम में शामिल हैं, हरीश गज्जर साहब हमारे प्रोग्राम में शामिल हैं, आप भी हमारे मुस्तकिल सामिया हैं, सलाम आपने लिखी है, वालेकुम अस्सलाम। सेवाराम रत्नानी साहब प्रोग्राम में शामिल हुए हैं, आप लिखते हैं अंजुम जी नमस्कार। कमल सिंह प्रोग्राम में शामिल हैं, आप लिखते हैं नमस्कार अंजुम सर। आगे आप लिखते हैं रूहानियत से भरी आवाज़ को सलाम, और आप सभी दोस्तों को भी सलाम लिखते हैं, बहुत खूब। कमल शर्मा साहब प्रोग्राम में शामिल हैं, आप खागरपुर से हमारे साथ प्रोग्राम में जुड़ते हैं। खांडे रशीद साहब हमारे प्रोग्राम में शामिल हैं, आपने सलाम लिखी है, वालेकुम अस्सलाम। आप लिखते हैं कि आप कुल्ली फिल्म से नगमा सुनना चाहते हैं, बने रहें प्रोग्राम में। पहले हम प्रोग्राम के आगाज़ में ये खूबसूरत नगमा सुनते हैं, बिल्कुल आज जो हुआ है कोहिनूर जो हीरा हमसे जुदा हुआ है उसी मुनासिबत से ये नगमा है। इस नगमे को सुनवाने के लिए लिखा है भट्ट जीशान साहब ने, तो सुनते हैं मोहम्मद रफ़ी की आवाज़ में ये खूबसूरत नगमा। दुनिया में कम न होंगे अफसोस हम न होंगे, ये जिंदगी के मेले, ये जिंदगी के मेले। दुनिया है मौज दरिया कतरे की जिंदगी क्या, दुनिया है मौज दरिया कतरे की जिंदगी क्या। पानी अंजाम ये कफानी, पानी में मिल के पानी अंजाम ये कफानी। दम भर को सांस ले ले, दम भर को सांस ले ले, ये जिंदगी के मेले। दुनिया में कम न होंगे अफसोस हम न होंगे, ये जिंदगी के मेले, ये जिंदगी के मेले, ये जिंदगी के मेले, ये जिंदगी के मेले। यही बहारें उल्फत की यादगारें, होंगी यही बहारें उल्फत की यादगारें। बिगड़ेगी और बनेगी दुनिया यही रहेगी, बिगड़ेगी और बनेगी दुनिया यही रहेगी। होंगे यही झमेले, होंगे यही झमेले, ये जिंदगी के मेले। दुनिया में कम न होंगे अफसोस हम न होंगे, ये जिंदगी के मेले, ये जिंदगी के मेले, ये जिंदगी के मेले, ये जिंदगी के मेले। दोस्तों इस गीत में एक हकीकत जो है वो आश्कार की गई है, और आज के दिन आप सभी जानते हैं कि दिलीप कुमार जो है वो अब हमारे बीच नहीं रहे। दिलीप कुमार के वालिद
फलों के बड़े कारोबारी थे। नव उम्र में दिलीप कुमार को अपने खानदानी कारोबार में शामिल होना पड़ा। उन दिनों उन्हें कारोबारी शख्सियत मोहम्मद सरवर खान के बेटे यूसुफ खान के तौर पर जाना जाता था। एक रोज किसी बात पर उनकी वालिद के साथ तकरार हो गई और दिलीप कुमार खुद अपने पैरों पर खड़ा होने के लिए पूना शहर चला गया। उन्हें अंग्रेजी जुबान भी आती थी, इसलिए पुणे में बरतानवी फौज के कैंटीन में असिस्टेंट की नौकरी मिल गई। वहीं उन्होंने अपना सैंडविच काउंटर खोला, जिसे अंग्रेजी फौज बहुत पसंद करते थे। लेकिन इस कैंटीन में एक रोज इंडिया की जंग आज़ादी की हिमायत करने के सबब उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया। उनका काम बंद हो गया। अपने इन तजुर्बात का जिक्र दिलीप कुमार ने अपने सवाने उम्री द सबस्टेंस एंड द शेडो में किया है। इस वाक्य के बाद दिलीप कुमार मुंबई वापस आ गए और वालिद साहब के कारोबार में हाथ बटाने लगे। उन्होंने तकियों की फरोख्त का काम भी शुरू किया, जो कामयाब नहीं हो सका। और एक बार उनके वालिद ने नैनीताल जाकर सेब का बाग खरीदने का हुक्म उन्हें सौंपा, तो दिलीप कुमार एक रुपये बयाने दे को माहिदा कराए। उन्हें इसके लिए वालिद साहब ने खूब शाबाशी हासिल हुई। उन्हीं दिनों की बात है जब एक बार ब्रिटिश आर्मी कैंट में लकड़ी से बनी पलंगें सप्लाई करने का काम पाने के लिए यूसुफ खान को एक दिन दादर जाना पड़ा। वो चर्च गेट स्टेशन पर खड़े लोकल ट्रेन का इंतजार कर रहे थे। उन्हें वहां अपनी जान पहचान वाले माहिर नफ्सियात डॉक्टर मसानी मिल गए। मसानी बम्बई टाकीज की मालकिन और अदाकारा देविका रानी से मिलने जा रहे थे। उन्होंने यूसुफ खान से कहा, चलो क्या पता तुम्हें वहां कोई काम मिल जाए। पहले तो यूसुफ ने मना कर दिया, लेकिन किसी फिल्म स्टूडियो को पहली बार देखने के शौक ने उन्हें इस बात पर राजी कर लिया। खैर, कुछ बातें और भी करेंगे, लेकिन हमारे प्रोग्राम में बहुत सारे दोस्त शामिल हुए हैं। ये हैं कमल सिंह साहब, कमल शर्मा साहब, जीवन प्रकाश चमोली साहब, शम्मा अफरोजी प्रोग्राम में शामिल हैं। आप लिखते हैं, मोहतरम अंजुम निसार साहब, आज दिलीप साहब को हम खराज अकीदत पेश करते हुए ये नगमा सुनना चाहते हैं। आपने बहुत ही खूबसूरत नगमा सुनना चाहा है तलत महमूद की आवाज़ में। यह नगमा दिलीप साहब पर फिल्माया गया है, हम ज़रूर आपको सुनवाते हैं। रिवो शर्मा जी प्रोग्राम में शामिल हैं। आप लिखते हैं, दिलीप कुमार की कोई भी मूवी का सॉन्ग प्ले कर लीजिए। तो बहन, आप भी इस नगमे के साथ शामिल होइएगा। बहुत खूबसूरत नगमा है तलत महमूद की आवाज़ में। रामजी प्रसाद साहब प्रोग्राम में शामिल हैं। आप लिखते हैं, दिलीप कुमार साहब को हमारी विनम्र श्रद्धांजलि। रामजी प्रसाद, सासामुसा, गोपालगंज, बिहार। और फारूक अहमद साहब प्रोग्राम में शामिल हैं, आपने सलाम लिखी है, वालेकुम असलाम। हरबन सिंह चबरा साहब प्रोग्राम में शामिल हैं, आपने अंजुम निसार जी आदाब लिखा है। और अंजुम निसार साहब को जमशेदपुर झारखंड से प्यार भरा आदाब, ये लिखते हैं उपेंद्र सिंह राजपूत साहब। आपने सभी दोस्तों को सलाम भी लिखी है। और आप लिखते हैं, दोस्तों आज हिंदुस्तान का कोहिनूर जनाब दिलीप साहब जन्नत को नसीब हो गए, उन्हें मेरा शारदा सुमन प्राप्त हो। बहुत बहुत शुक्रिया दोस्तों आपका। अब नगमा सुनते हैं, बहुत ही खूबसूरत नगमा है ये, और इस नगमे को गाया है तलत महमूद साहब ने, और इस नगमे को फिल्मी पर्दे पर, जी हाँ, फिल्माया गया है कुमार पर। सुनते हैं ये नगमा, और इस नगमे को सुनवाने के लिए हमें शम्मा अफरोज ने लिखा है। साथ बागबां भी जला के मेरे नशे मन को आसमां भी जला। एक मैं हूँ, एक मेरी बेकसी की शाम है। एक मैं हूँ, एक मेरी बेकसी की शाम है। अब तो तुझ बिन जिंदगी भी मुझ पे एक इल्जाम है।
एक मैं हूँ एक मेरे। दिल पे क्या गुजरी तेरे जाने से कोई क्या कहे, दिल पे क्या गुजरी तेरे जाने से कोई क्या कहे, सांस जो आती है वो भी दर्द का पैगाम है, सांस जो आती है वो भी दर्द का पैगाम है, एक मैं हूँ एक मेरी बेकसी की शाम है, एक मैं हूँ एक मेरी। मेरे मुकद्दर पर हंसो, आंसू मुझ पर हंसो, मेरे मुकद्दर पर हंसो, अब कहाँ वो जिंदगी जिसका मोहब्बत नाम है, अब कहाँ वो जिंदगी जिस मोहब्बत नाम है। हम दिलीप कुमार के नाम से जानते हैं, उन पर फिल्माया गया है। और हम बात कर रहे थे कि दिलीप कुमार को जब उनके दोस्त जो एक डॉक्टर थे, माहिर नफ्सियात थे, उन्होंने उन्हें कहा था कि हम अदाकारा जो है और मालकिन जो है मुंबई टाकीज और देविका रानी उनसे मिलने जा रहे थे। खैर दिलीप कुमार साहब इसके लिए राजी हो गए और क्या मालूम था कि उनकी किस्मत बदलने वाली है। बम्बई टाकीज उस दौर का सबसे कामयाब प्रोडक्शन हाउस था। उसकी मालकिन देविका रानी फिल्म स्टार होने के साथ साथ एक जदीद ख्यालत वाली खातून थी। दिलीप कुमार ने अपने सवाने हयात में लिखा है कि जब वो लोग देविका रानी के कैबिन में पहुंचे तो उन्हें वो बहुत बावकार खातून लगी। डॉक्टर मसानी ने दिलीप कुमार का तारुफ करवाते हुए देविका रानी से उनके लिए काम की बात की। देविका रानी ने उनसे पूछा कि क्या उन्हें उर्दू जुबान आती है। इससे पहले कि वो जवाब देते, डॉक्टर मसानी उन्हें यूसुफ खान के खानदान की पिशावर से दिल्ली पहुंचने और फलों के कारोबार के बारे में सब कुछ बता डाला। इसके बाद देविका रानी ने यूसुफ से पूछा कि क्या वो अदाकार बनना चाहेंगे। इस सवाल के साथ ही उन्होंने यूसुफ को 1250 रुपये माहाना की नौकरी की पेशकश कर दी। डॉक्टर मसानी ने इशारा किया कि वो उसे कबूल कर लें, लेकिन यूसुफ खान ने देविका रानी की पेशकश का शुक्रिया अदा करते हुए कहा कि उनके पास काम का तजुर्बा है ही नहीं और ना ही सिनेमा की समझ है। तब देविका रानी ने उनसे पूछा, तुम फलों के कारोबार के बारे में कितना जानते हो? जवाब में यूसुफ खान ने कहा, जी सीख रहा हूं। देविका रानी ने उनसे कहा, तुम फलों के कारोबार और उनकी काश्त के बारे में सीख रहे हो तो फिल्म मेकिंग और एक्टिंग भी सीख लोगे। साथ ही उन्होंने ये भी कहा, मुझे एक नौजवान खुश शक्ल और पढ़े लिखे अदाकार की ज़रूरत है, मुझे तुम में एक अच्छा अदाकार बनने की काबिलियत नज़र आ रही है। और सन 1943 में 1250 रुपये कितनी बड़ी रकम होती है, इसका अंदाज़ा इससे भी लगाया जा सकता है कि दिलीप कुमार साहब को लगा कि ये रकम उनकी सालाना तनख्वाह होगी। उन्होंने डॉक्टर मसानी से दोबारा पूछने को कहा और जब मसानी ने उन्हें दोबारा पूछकर बताया, तब जाकर दिलीप कुमार को यकीन हुआ कि वो उस नौकरी को हाँ कहकर बम्बई टाकीज के हीरो बन गए हैं। दोस्तों, बहुत सारे दोस्त हमारे प्रोग्राम में शामिल हैं। सभी दोस्त आज अपने महान कलाकार के बारे में बातें लिख रहे हैं, गमगीन हैं, सभी श्रद्धांजलि उनको समर्पित कर रहे हैं। मौसम मंसूरी साहब हमारे प्रोग्राम में शामिल हैं। आपने भी दिलीप कुमार के बारे में लिखा है कि अल्लाह उन्हें करवट करवट जन्नत नसीब करे। और एक और दोस्त हैं
ये हैं हरबनस सिंह चबरा साहब। आपने भी दिलीप कुमार जी के बारे में लिखा है कि अल्लाह उन्हें मगफिरत फरमाए, जन्नतुल फिरदौस में जगह दे, आमीन। और शेख बिलाल साहब प्रोग्राम में शामिल हैं, आपने मधुमती फिल्म से नगमा सुनवाने के लिए लिखा है। रामजी प्रसाद साहब प्रोग्राम में शामिल हैं और निसार शाहीन शाह साहब प्रोग्राम में शामिल हैं। आप लिखते हैं, अस्सलाम वालेकुम अंजुम सर, उम्मीद है कि आप ठीक होंगे। दिलीप जी प्लीज एन इम्पॉर्टेंट रोल इन फिल्म इंडस्ट्री, एवरीवन इज मिसिंग हिम, कोई भी गाना सुनाइए। बिल्कुल आपकी बात 100% सही है, ज़रूर आपको नगमा सुनवाते हैं, बने रहें प्रोग्राम में। और मीर अनवरुल्लाह साहब प्रोग्राम में शामिल हैं, आप लिखते हैं, अस्सलाम वालेकुम सर, प्लीज़ प्लीज़ सॉन्ग ऑफ दिलीप कुमार साहब और आदमी फिल्म से आपने नगमा सुनवाने के लिए लिखा है, तो आपसे गुजारिश है कि आप बने रहें प्रोग्राम में, हम ज़रूर आपकी फरमाइश पूरी करेंगे। और हमारे एक दोस्त हैं प्रोग्राम में, इन्होंने नगमा सुनवाने के लिए लिखा है, तो हम ज़रूर आपकी पसंद का नगमा पेश करेंगे। खूबसूरत नगमा है ये, यहूदी फिल्म से नगमा है, और इस नगमे में भी जो है वो दिलीप कुमार साहब ही हैं। नगमा सुनते हैं, आप सबसे मेरी गुजारिश है कि आज अगर हो सके तो आप वो नगमे यहाँ पे सुनवाने के लिए हमें लिखें जो दिलीप साहब पर फिल्माए गए हों। सुनते हैं यहूदी फिल्म से ये खूबसूरत सा नगमा। यहाँ जिंदगी सस्ती है, ये दुनिया हाय हमारी, ये दुनिया शैतानों की बस्ती है। यहाँ जिंदगी सस्ती है, ये दुनिया करना हो तो सिजदा कर दीवारों का। ये दुनिया हाय हमारी, ये दुनिया हर जालिम एक हस्ती है, मजहब जुल्म परस्ती है। ये दुनिया दोस्तों, आपने बहुत ही खूबसूरत नगमा सुना, मोहम्मद रफ़ी की आवाज़ थी। और अपनी पसंद के फिल्मी नगमे आप हर रोज़ रात के ठीक 10 बजे से लेकर रात के 11 बजे तक सुनते हैं। और आज के दिन की अगर बात करें तो आज बहुत ही मायूस दिन है हम सब के लिए, क्योंकि एक बहुत ही मंझे हुए कलाकार जिन्होंने अपने वक्त में काफ़ी सारी हिट फिल्में दी हैं, वो आज हमारे से जुदा हुए हैं। तो मैं बात कर रहा था कि मुंबई टाकीज़ में उन्हें 1250 रुपये की नौकरी मिली, और ये उन दिनों बहुत बड़ी रकम थी, क्योंकि खुद साहब को लगा था कि शायद उनके लिए ये सालाना तनख्वाह होगी। और मुंबई टाकीज़ में उन्हें अदाकार शशिधर मुखर्जी और अशोक कुमार के अलावा दीगर मशहूर अदाकारों को देखकर अदाकारी की बारीकियाँ सीखने को मिली। उन्हें हर रोज़ 10 बजे सुबह से शाम 6 बजे तक स्टूडियो में मौजूद होना था। एक रोज़ जब वो स्टूडियो पहुंचे तो पैगाम मिला कि देविका रानी उन्हें अपने दफ्तर में बुलाया है। दिलीप कुमार ने इस मुलाकात के बारे में अपनी सवानी हयात में लिखा है, उन्होंने अपनी शानदार अंग्रेज़ी में कहा,
यूसुफ, मैं तुम्हें एक्टर के तौर पर जल्द अज जल्द लॉन्च करना चाहती हूँ। ऐसे में ख्याल बुरा नहीं है कि तुम्हारा एक स्क्रीन नेम यानी कि फिल्मी नाम हो, ऐसा नाम जिससे दुनिया तुम्हें पहचानेगी और लोग तुम्हारी रोमानी इमेज को इससे जोड़कर देखेंगे। मेरे ख्याल में दिलीप कुमार एक अच्छा नाम है। जब मैं तुम्हारे नाम के बारे में सोच रही थी तो ये नाम अचानक मेरे जहन में आया। तुम्हें ये नाम कैसा लग रहा है? दिलीप कुमार ने अपनी सवाने हाथ में लिखा है कि ये सुनकर उनकी बोलती बंद हो गई। वो नई शिनाख्त के लिए बिल्कुल तैयार नहीं थे। फिर भी उन्होंने देविका रानी से कहा कि ये नाम तो बहुत अच्छा है, लेकिन क्या नाम बदलना वाकई ज़रूरी है? देविका रानी ने दिलीप कुमार से मुस्कुराते हुए कहा कि ऐसा करना अकलमंदी होगी। उन्होंने कहा, मैं काफ़ी सोच समझ कर इस नतीजे पर पहुंची हूं कि तुम्हारा स्क्रीन नेम यानी कि फिल्मी नाम होना चाहिए। दिलीप कुमार ने यह भी लिखा है कि देविका रानी ने उनसे कहा कि वो फिल्मों में उनका एक तवील और कामयाब करियर तस्वर कर रही हैं। ऐसे में स्क्रीन के लिए नाम रखना अच्छा होगा और इससे सेक्युलर अपील भी होगी। हालांकि ये हिंदुस्तान की आज़ादी के पहले का दौर था और इस दौर में हिंदुओं और मुसलमानों के दरमियान किसी किस्म की कड़वाहट नहीं थी, लेकिन चंद बरसों के अंदर हिंदुस्तान की इंडिया और पाकिस्तान में तकसीम हो गई। लेकिन देविका रानी को बाज़ार की अच्छी समझ थी। उन्हें मालूम था कि किस ब्रांड के लिए लोगों के दरमियान कबूल होना सही होता है। हालांकि इस दौर में सिर्फ ऐसा नहीं था कि सिर्फ मुस्लिम अदाकारों को ही अपना नाम बदलकर कोई स्क्रीन नेम रखना पड़ रहा था। दिलीप कुमार से पहले देविका रानी अपने शौहर हिमांशु राय के साथ मिलकर 1936 में फिल्म अछूत कन्या के लिए कमदलाल गांगुली को अशोक कुमार के नाम पर लॉन्च कर चुकी थी। एक खूबसूरत नगमा सुनते हैं। इस नगमे को भी सुनवाने के लिए एक दोस्त ने हमें लिखा है। बहुत ही खूबसूरत नगमा है ये, और काफ़ी सारे दोस्त आज प्रोग्राम में शामिल हैं। सभी दोस्तों का मैं इस प्रोग्राम में खैर मकदम भी करता हूँ, और आपने बहुत ही खूबसूरत नगमा सुनवाने के लिए लिखा है, और इस नगमे को फिल्माया गया है दिलीप कुमार पर, और विजयंती माला साहिबा भी इस नगमे में शामिल हैं। नया दौर फिल्म से नगमा है, और दोस्त हैं एक जिन्होंने ये नगमा सुनवाने के लिए लिखा है हमें। इंतज़ार अंजुम साहब भी प्रोग्राम में शामिल हैं। आप लिखते हैं, निसार भाई मरहूम दिलीप कुमार साहब यानी यूसुफ खान साहब को खराज अकीदत पेश करते हैं। उन पर फिल्माए गए फिल्म आदमी का नगमा आज पुरानी राहों में कोई मुझे आवाज़ नहीं दे, तो ये नगमा आप सुनना चाहते हैं। कोशिश करेंगे आपको सुनाने की, आप बने रहें दोस्त प्रोग्राम में। और रामजी प्रसाद साहब भी प्रोग्राम में शामिल हैं। आपने भी इसी नगमे के लिए फरमाइश की है, बने रहें प्रोग्राम में। शेख साहब साहब हमारे प्रोग्राम में शामिल हैं। आपने भी उदासी जाहिर की है यूसुफ खान के जो इंतकाल हुआ है आज उस पर। और विनायक दनवेश्वर साहब भी प्रोग्राम में शामिल हैं, और गंगा वंकर साहब भी प्रोग्राम में शामिल हुई हैं। आपका भी हम खैर मकदम करते हैं बहन अपने प्रोग्राम में। मौसम मंसूरी साहब प्रोग्राम में शामिल हैं। आपने लिखा है कि दिलीप साहब के लिए रफ़ी साहब, मुकेश, तलत महमूद और किशोर कुमार ने सिर्फ एक नगमा साल में तो सब बन गए थे। और एक और दोस्त प्रोग्राम में शामिल हैं, यह ऋषि फिरदौस साहब। आप संगरी टॉप मतलब से हमारा प्रोग्राम सुनते हैं, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। सईद अरशद साहब लिखते हैं, अंजुम साहब और दीगर सभी सामान की खदमत में प्यार भरा सलाम। शहनशाह जज्बात आन जहानी जनाब दिलीप कुमार साहब के गुजरने पर आज पूरी फिल्म इंडस्ट्री गमजदा है। यहाँ मैं थोड़ा सा आपको आपकी तस्सीह करूँगा। पूरी फिल्म इंडस्ट्री नहीं, मैं तो ये कह सकता हूँ कि पूरी, जी हाँ, दुनिया, जहाँ जहाँ दिलीप साहब को लोग जानते हैं वो सब गमजदा है। आप आगे लिखते हैं, अल्लाह ताला उनकी रूह को सुकून बख्शे और जन्नतुल फिरदौस में आला मुकाम अता फरमाए, आमीन। और आप लिखते हैं, आज इस मौके पर दिलीप साहब पर फिल्माया गया कोई भी गीत सुनवाइएगा। और आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आप हमारे प्रोग्राम में शामिल होते हैं। तो नगमा सुनते हैं, बहुत ही खूबसूरत नगमा है ये। हमारे दोस्तों में से एक दोस्त हैं, बल्कि कई सारे दोस्तों ने इस नगमे की भी फरमाइश की है। सुनते हैं दिलीप साहब पर फिल्माया गया ये खूबसूरत सा नगमा।
ऐसे चिकने चेहरे, ओ जब ऐसे चिकने चेहरे तो कैसे ना नजर फिसले, तो कैसे ना नजर फिसले जिंद मेरी ये। कभी डाल इधर भी फेरा, तो कभी डाल इधर भी फेरा, के तक तक नैन थक गए, के तक तक नैन थक गए जिंद मेरी ये। बहाने आ जा, ओ पानी लेने के बहाने आ जा, के तेरा मेरा एक रास्ता, के तेरा मेरा एक रास्ता जिंद मेरी ये। चांद के बहाने देखूं, ओ तुझे चांद के बहाने देखूं, ओ तुझे चांद के बहाने देखूं, ओ तुझे चांद के बहाने देखूं, तू छत पर आजा गोरिये, तू छत पर आजा गोरिये जिंद मेरिये। अभी छेड़ेंगे गली के सब लड़के, ओ अभी छेड़ेंगे गली के सब लड़के, के चांद मेरे छिप जाने दे, के चांद मेरे छिप जाने दे जिंद मेरी। दोस्तों आज हम मशहूर अदाकार जी हाँ दिलीप साहब के बारे में बात कर रहे हैं, और आप सब जानते हैं कि आज वो हमारे बीच नहीं रहे, और मैं बात कर रहा था कि देविका रानी ने उन्हें एक नया नाम, जिसे हम कह सकते हैं कि फिल्मी नाम, रखने के लिए कहा, और जी हाँ उन्होंने ही, देविका रानी ने ही दिलीप कुमार नाम जो है वो सोच के रखा था। 1943 में अशोक कुमार की फिल्म किस्मत सुपर डुपर हिट हुई थी। इस फिल्म की कामयाबी ने अशोक कुमार को देखते ही देखते सुपरस्टार बना दिया था। अशोक कुमार इंडियन सिनेमा के पहले कुमार थे। ऐसे में ये भी मुमकिन है कि किस्मत फिल्म की कामयाबी को देखते हुए यूसुफ खान के लिए स्क्रीन नेम जब देविका रानी ने सोचा तो सर नेम के तौर पर कुमार का ही ख्याल आया। और हालांकि इस वक्त दिलीप कुमार को यह बात मालूम नहीं थी, ये और बात है कि इन दोनों वो अशोक कुमार के साथ कई घंटे गुजारा करते थे और उन्हें अशोक भैया कहा करते थे। वो देविका रानी की दलाइल सुनकर राजी तो हो गए, लेकिन उन्होंने मजीद गौर करने के लिए उनसे वक्त मांगा। देविका रानी ने कहा ठीक है, सोचकर बताओ, लेकिन जरा जल्दी बताना। देविका रानी के केबिन से निकलकर वो स्टूडियो में काम करने जा रहे थे, लेकिन उनके जहन में दिलीप कुमार नाम ही चल रहा था। इस पेश में शशिधर मुखर्जी ने उनसे पूछा कि वो क्या सोच रहे हैं। यूसुफ खान ने देविका रानी से होने वाली गुफ्तगू के बारे में उन्हें बताया। एक मिनट ठहर कर उन्होंने यूसुफ से कहा, इसका जिक्र उन्होंने अपनी सवानहयात में किया है। उन्होंने कहा, मेरे ख्याल में ये देविका ठीक कह रही हैं, उन्होंने जिस नाम का मशवरा दिया है इस पर राजी होना तुम्हारे फायदे की बात है, ये बहुत ही अच्छा नाम है।
ये बात और है कि मैं तुम्हें यूसुफ नाम से ही जानता रहूंगा। उनके इस मशवरे पर यूसुफ खान ने फिल्मी नाम के तौर पर दिलीप कुमार के नाम को कबूल कर लिया और उनकी पहली फिल्म जवार बाठा की शूटिंग शुरू हो गई। यहाँ दोस्तों सन 1944 में रिलीज होने वाली इस फिल्म के साथ ही दिलीप कुमार ने इंडियन फिल्मों की तारीख में अहम सफर रकम कर दिया। हालांकि उनकी पहली फिल्म नहीं चल सकी। और हमारे प्रोग्राम की बात करते हैं तो सेवाराम रत्नानी साहब प्रोग्राम में शामिल हैं और आप भी हमारे प्रोग्राम के साथ जुड़े हैं। आपने एक खूबसूरत सा नगमा रफ़ी साहब की आवाज़ में है और जो दिलीप साहब पर फरमाया गया है उसकी फरमाइश की है। बने रहें प्रोग्राम में। हरी शंकर साहब प्रोग्राम में शामिल हैं, रियासत हुसैन सिद्दीकी साहब भी प्रोग्राम में शामिल हैं। सभी दोस्तों का हम दिल की गहराइयों से इस प्रोग्राम में खैर मकदम करते हैं और मैं उम्मीद करता हूं कि आपको हमारा ये प्रोग्राम किसी हद तक पसंद आ रहा होगा। और हमारे एक और मुस्तकिल सामिया हमारे दोस्त रफ़ी रहमान साहब भी प्रोग्राम में शामिल हैं। आपने भी एक खूबसूरत नगमे की फरमाइश की है, जुगनू फिल्म से नगमा है और बहुत ही खूबसूरत नगमा है ये। इस नगमे को भी फिल्माया गया है, जी हाँ, दिलीप कुमार साहब पर। तो हम आपको सुनवाते हैं बहुत ही खूबसूरत नगमा जुगनू फिल्म से। सन 1947 में ये फिल्म रिलीज हुई थी। सुनिएगा ये खूबसूरत सा नगमा। बपा का बेबपाई के सिवा क्या है, यहाँ बदला बपा का बेबपाई के सिवा क्या है। मोहब्बत करके भी देखा, मोहब्बत में भी धोखा है। कभी सुख है कभी दुख है, अभी क्या था अभी क्या है। यूं ही दुनिया बदलती है, इसी का नाम दुनिया है। कभी सुख है कभी दुख है, अभी क्या था अभी क्या है। तड़पने भी नहीं देती हमें मजबूरियां सुनी, तड़पने भी नहीं देती हमें मजबूरियां सुनी। मोहब्बत करने वालों का तड़पना किसने देखा है। मोहब्बत करके भी देखा, मोहब्बत में भी धोखा है। बड़े अरमान से वादों ने दिल में घर बसाया था। वो दिन जब याद आते हैं कले जामू को खाता है। यहाँ बदला बपा का बेबपाई के सिवा क्या है। बुला लो वो जमाना जब मुझे अपना बनाया था। भुला दो ना मैं उल्फत जब तुम्हारे लब पे आया था। अपना कहे कोई
जो अपना था पराया है। यही दुनिया बदलती है, किसी का नाम दुनिया है, कभी सुख है कभी दुख है। दोस्तों, आप हमारा ये प्रोग्राम हर रोज रात के ठीक 10 बजे से लेकर रात के 11 बजे तक सुनते हैं। आज हम बात कर रहे हैं मशहूर अदाकार दिलीप कुमार साहब के बारे में। दिलीप कुमार साहब एक मंझे हुए कलाकार थे। उनको उन दिनों एक हॉलीवुड फिल्म, जी हाँ, लॉरेंस ऑफ अरेबिया में भी काम करने की पेशकश की गई थी, मगर दिलीप साहब ने इस पेशकश को ठुकरा दिया और फिल्म दाग के लिए दिलीप साहब को फिल्म फेयर का अवार्ड मिला। और आपको बता दें कि इस अवार्ड की शुरुआत सन 1956 में हुई और पहला फिल्म फेयर अवार्ड दिलीप साहब को ही मिला और फिर 7 बार दिलीप साहब ने यह अवार्ड हासिल किया और ये रिकॉर्ड अब भी तक बरकरार है। समीन, दिलीप कुमार साहब ने हर तरह के रोल बखूबी निभाए और उन्हें ट्रेजेडी किंग का भी खिताब मिला। फिल्म मशाल का एक मशहूर तरीन सीन है, मेरे ख्याल में आप लोगों ने ज़रूर वो मूवी देखी होगी और ज़रूर आप उस सीन को भी उस सीन से आप वाकिफ होंगे। बहुत ही खूबसूरत और क्या कह सकते हैं, कुदरती जो अदाकारी है उन्होंने उसमें कूट कूट कर दिखाई है कि किस तरह से वो एक मंझे हुए कलाकार हैं। तो मैं इस वक्त वो सीन आपके लिए पेश करना चाहूँगा और आप देखें कि किस अंदाज में, आप यकीन कीजिएगा कि जब ये सीन पर्दे पर फिल्माया गया होगा और सिनेमा पर जब दिखाया गया होगा, ऐसा लगता होगा कि बिल्कुल एक कुदरती अंदाज में, ऐसा बिल्कुल नहीं लग रहा होगा कि ये एक्टिंग हो रही है। बिल्कुल जैसे कि उस पर वो सब कुछ जो है वो उस पर बीती हुई है, ऐसा उन्होंने उस सीन को निभाया है। आप सुनिए इस सीन को और देखिए। बारिश की वजह से कितनी देर हो गई, मगर अब करेंगे भी क्या, वहां सामान तो सब पड़ा पड़ा भीग गया होगा। किसी ने सच कहा है, मुसीबत आती है तो अकेली नहीं आती। देखो तो 2-4 दिन के अंदर अंदर क्या कर क्या। सुधा 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 सुधा, सुधा, थोड़ी देर और हिम्मत कर जाओ सुधा। नहीं, अभी कुछ करते हैं, अभी कुछ करते हैं सुधा, अभी कुछ करते हैं। सुधा, सुधा, ए भाई, ए भाई, ओ भाई साहब, गाड़ियों का भाई, गाड़ियों का, बता दे जरा भाई, ये सब गाड़ी रोको, अस्पताल पहुंचा दो भाई साहब, अस्पताल पहुंचा दो भाई। सुधा, थोड़ी देर हिम्मत कर जाओ, मैं कुछ करता हूँ सुधा। ए भाई साहब, अरे गाड़ी रोको भाई, गाड़ी रोको, अरे इधर देखो क्या हो रहा भाई, अरे बुरा हाल है बेचारी का, अस्पताल पहुंचा दो। अरे कोई है, अरे कोई बचा लो रे, अरे दरवाजा खोलो भाई, ऊपर कोई डॉक्टर है, बुरी हालत है भाई, अरे कोई बचा लो, ओ भाई साहब, अरे कोई है, अरे कोई आओ, अरे देखो बेचारी मर रही है, अरे मर जाएगी, बचा लो रे, गाड़ी रोको, ए भाई साहब गाड़ी रोक दो, गाड़ी रोको भाई साहब। ए भाई साहब, मेरी बीवी की हालत बहुत खराब है, उसको उसको अस्पताल पहुंचाना है भाई साहब, वो मर जाएगी, आपके बच्चे जिए, हमारी इतनी मदद कर दो, उसको अस्पताल पहुंचा दो भाई साहब, आपके बच्चे जिए भाई, गाड़ी रोको,
ए भाई गाड़ी रोक दो, मेरी बीवी को अस्पताल पहुंचा दो भाई साहब। ए भाई साहब, ए भाई साहब, ए भाई, ए भाई साहब। हे भगवान। विनोद हजरा आया 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 सुधा 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 दोस्तों, दिलीप साहब की जाती जिंदगी की अगर बात करें तो हम सभी जानते हैं कि उनका पहला प्यार मशहूर अदाकारा मधुबाला थी। उन दोनों का प्यार 7 साल तक चला, पर एक दौर ऐसा भी आया जबकि एक ही फिल्म में काम करने के बावजूद वो सेट पर एक दूसरे के साथ बात तक नहीं करते थे। मधुबाला से अलग हो जाने के बाद दिलीप साहब की जिंदगी में सायरा बानो आई। जी हाँ, और हमारे प्रोग्राम में बहुत सारे जो दोस्त हैं वो शामिल हुए हैं। ये अनुलता तिवारी साहिबा भी प्रोग्राम में शामिल हैं, सेवाराम रत्नानी साहब तो प्रोग्राम में शामिल ही हैं। आपने भी एक खूबसूरत सा नगमा सुनवाने के लिए लिखा है जो दिलीप साहब पर फिल्माया गया है। हरीश गजर साहब प्रोग्राम में शामिल हैं, रियासत हुसैन सिद्दीकी साहब है, हरिशंकर साहब हैं, कमल सिंह साहब है, जोगिंदर सिंह बत्रा साहब हैं, मीर असरार साहब हैं। आप सबका हम दिल की गहराइयों से इस प्रोग्राम में खैर मकदम करते हैं। आप सब आज गमगीन होंगे, बिल्कुल जिस तरह से पूरी दुनिया गमगीन है हम भी गमगीन हैं। तो क्या कह सकते हैं, बस अल्लाह से दुआ कर सकते हैं कि एक तो उनके परिवार को ये जो बहुत बड़ा गम है ये सहने की उन्हें शक्ति दे, और दूसरा ये है कि अल्लाह उन्हें जन्नत नसीब करे। नगमा सुनते हैं, बहुत ही खूबसूरत नगमा है ये। इस नगमे को हमारे एक दोस्त ने सुनवाने के लिए लिखा है, तो बहुत ही खूबसूरत नगमा है। इस नगमे को भी सुन फिल्माया गया है दिलीप साहब पर। कोई सागर दिल को बहलाता नहीं, कोई सागर दिल को बहलाता नहीं, बेखुदी में भी कराता नहीं, कोई सावर दिल को बहलाता इंसान हूँ मैं, कोई पत्थर नहीं इंसान हूँ, कैसे कह दूँ गम से घबराता नहीं, कोई सावर दिल को बहलाता नहीं, बेखुदी सब थे कारवां के साथ साथ, कल तो सब थे कारवां के साथ साथ, आज कोई राह दिखलाता नहीं, कोई सागर दिल को बहलाता आई।
तोड़ दो। सन 1966 में सैरा जी हाँ दोस्तों, सन 1966 में सायरा बानो ने दिलीप साहब के साथ शादी कर ली और शादी के वक्त सायरा बानो दिलीप कुमार से 22 बरस छोटी थी। दिलीप कुमार ने 44 बरस की उम्र में सायरा बानो को अपनी नस्ब बेहतर के तौर पर चुना। जब 12 बरस की सायरा बानो दिलीप कुमार के इश्क में गिरफ्तार हुई, सायरा बानो सिर्फ 12 साल की थी। जी हाँ दोस्तों, जब उन्हें दिलीप कुमार के साथ मोहब्बत हो गई और जो उस वक्त का एक बहुत बड़ा सुपरस्टार था और 34 बरस की उम्र थी उनकी। 1960 में मुगले आजम की प्रीमियर के दौरान एक 16 साल सायरा पहली बार अपने क्रिश से मिलने की तवक्को कर रही थी, लेकिन ऐसा मुमकिन नहीं हो सका। कुछ ही अरसे बाद जब सायरा बानो की दिलीप कुमार से मुलाकात हुई तो गोया अदाकारा की तमाम ख्वाहिशें ही पूरी हो गईं। सायरा इस मुलाकात को जादुई करार देती हैं। एक इंटरव्यू में सायरा बानो का बताना था कि जब हम पहली बार मिले तो दिलीप कुमार ने मुझे खूबसूरत लड़की के रिमार्क्स दिए जिसने मेरे वजूद को सरशार कर दिया था। उन्होंने कहा कि पहली मुलाकात में ही मुझे ये मालूम था कि मैं उसकी बीवी बन जाऊंगी। और सायरा बानो से शादी से कबल आपको मालूम है कि मधुबाला के साथ उनके ताल्लुकात रहे और अदाकार कामी कौशल और विजयंती माला जैसी बॉलीवुड अदाकाराओं से भी ताल्लुकात की खबरें जेरगश्त रही थीं। दिलीप कुमार अपनी अदाकारी, फैशन और स्टाइल के बास ख्वातिन में मकबूल तरीन शख्सियत समझे जाते थे। कहा जाता है कि ख्वातिन में उनकी मकबूलियत इतनी ज़्यादा थी कि वो उनकी गाड़ी के सामने घंटों खड़े इंतज़ार कर रही थी। और आपको ये भी बता दें कि दिलीप कुमार जी का जो है वो उनकी कोई औलाद नहीं है। और दिलीप कुमार ने सायरा बानो से शादी के 14 बरस बाद औलाद के लिए अस्मा रहमान नामी खातून से छुपकर शादी की थी। जी हाँ दोस्तों, रियासत हैदराबाद दक्कन से ताल्लुक़ रखने वाली खातून अस्मा साहिबा से दिलीप कुमार ने 1981 में शादी की थी। सामाजिक कारकुन के तौर पर काम करने वाली अस्मा रहमान और दिलीप कुमार की मुलाकात हैदराबाद में क्रिकेट मैच के दौरान हुई। दिलीप कुमार ने औलाद के लिए शादी की थी, ताहम ये दूसरी शादी ज़्यादा देर तक नहीं चल सकी और 1983 में उनका तलाक हुआ। दिलीप कुमार को उनकी दोनों बीवियों से कोई औलाद नसीब नहीं हुई। अपनी सवानी उम्री दिलीप कुमार सबस्टेंस एंड द शैडो में इस बात का इंशाफ किया गया है कि सन 1972 में सायरा बानो उम्मीद से थी। हमल के 8वीं माह के बाद मसाइल हुए और डॉक्टर बच्चे को बचा ना सके और हम उसके बाद से ही खुदा की रजा में राजी हो गए। और हमारे प्रोग्राम में भी काफ़ी सारे दोस्तों ने आज दिलीप साहब के बारे में बहुत कुछ लिखा और उन्हें खराज अकीदत पेश किया। रियासत हुसैन सिद्दीकी साहब हैं, रामजी प्रसाद साहब हैं, कमल सिंह साहब हैं, हरी शंकर साहब हैं और मीर असरार साहब ने भी बहुत कुछ लिखा है कि मौत वही है जिस पर दुनिया करे अफसोस, यूँ तो दुनिया में सभी आए हैं मरने के लिए। बिल्कुल सही। और आगे आप लिखते हैं कि मरहूम मोहम्मद यूसुफ खान दिलीप कुमार के नक्शे कदम पर फिल्म इंडस्ट्री बहुत से अदाकारों ने दिलीप कुमार के नक्शे कदम पर चलकर कामयाबों की ऊंची बुलंदियों को छूकर फिल्म इंडस्ट्री में अपनी गहरी छाप छोड़ दी। हर हाल पर एक जानदार को ज़िंदगी को एक दिन खैर बात कहना पड़ता है और यही ज़िंदगी की हकीकत है और ये दस्तूर भी है। अल्लाह करे मरहूम को जन्नत में आला मकाम अता करे और लवाहिकिन को सब्र जमील अता करे, आमीन। बहुत बहुत शुक्रिया मेरे दोस्त। और अब नगमा सुनते हैं, खूबसूरत नगमा है ये। इस नगमे को सुनवाने के लिए हमें एक दोस्त ने लिखा है, ये हैं नीलम जान साहिबा ने, तो हम आपके लिए पेश कर रहे हैं आपकी पसंद का ये खूबसूरत सा नगमा।
आंखों के साए, ये दिल और उनकी निगाहों के साए, ये दिल और उनकी निगाहों के साए मुझे घेर लेते हैं, बाहों के साए मुझे घेर लेते हैं, बाहों के साए। तो 1991 में दिलीप साहब को पद्मश्री अवार्ड से भी नवाजा गया, और दोस्तों आज यानी 7 जुलाई को ये मशहूर हस्ती हमें छोड़कर चली गई। दिलीप कुमार साहब 98 साल की उम्र में इस दुनिया को खैरबाद के गए, अल्लाह उन्हें करवट करवट जन्नत नसीब करे। अगरचे दिलीप साहब अब हमारे बीच नहीं हैं, मगर उनकी अदाकारी रहती दुनिया तक कायम रहेगी, और आने वाली नस्ल के लिए, खासकर जो फिल्मी दुनिया में आने चाहते हैं, उनके लिए दिलीप कुमार साहब एक इदारे से कम नहीं। दिलीप कुमार साहब कई दिनों से बीमार थे, उन्हें सांस लेने में दुश्वारी आ रही थी। अगर उन्हें अस्पताल में रखा गया और मुकम्मल देखभाल भी की गई, मगर वो कहते हैं ना कि मौत का वक्त मुतयन होता है, तो आज का दिन दिलीप साहब की ज़िंदगी का आखिरी दिन था, और हमारी अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह उन्हें करवट करवट जन्नत नसीब करे, और यकीनन दिलीप साहब हमारे दिलों में हमेशा आबाद रहेंगे। अब मैं आप दोस्तों से आज के प्रोग्राम से इजाज़त चाहूँगा। कल रात के ठीक 10 बजे आपसे फिर मुलाकात होगी। जब तक के लिए अल्लाह निगहबान।
के साए।